लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन हर चुनाव से पहले कभी ईवीएम से छेड़छाड़ तो कभी वीवीपैट की पर्चियों का मुद्दा उछाला जाता है। विपक्ष चुनावों को और पारदर्शी बनाने के लिए वीवीपैट मशीनों की पर्चियों को मतदाता को देने की वकालत करता है, पर क्या ये वाकई हो सकेगा और होगा भी तो आखिर कैसे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। आप जब वोट देने जाते हैं तो ईवीएम के बगल में एक पर्ची देने वाली वीवीपैट मशीन होती है। ईवीएम के साथ दिए गए वोट को देखने के लिए ये लगाई जाने वाली वीवीपैट मशीन होती है। इस वक्त ये काफी चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि विपक्ष हर मतदाता को वीवीपैट से निकली पर्चियों को देने की वकालत कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग इसके खिलाफ है। दरअसल चुनाव आयोग का तर्क है कि अगर सारे चुनाव में वीवीपैट की पर्चियों को हर वोटर को देना शुरू कर दिया जाएगा तो फिर पुराने समय में बैलेट पेपर और ईवीएम के साथ होने वाले चुनाव में क्या फर्क रह जाएगा? हम फिर से पुराने युग में लौट जाएंगे। इसमें वोट देने और फिर वोटों की गिनती करने में लंबा समय लग सकता है। खैर, ये तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में ऐसा संभव है या नहीं, चलिए आपको बताते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको आसानी से समझा देते हैं कि आखिर वीवीपैट क्या है। दरअसल वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जो चुनाव के समय ईवीएम के साथ कनेक्ट की जाती है। इसे मतदाता द्वारा अपनी पसंद की पार्टी और उम्मीदवार को दिए गए वोट को डबल चेक करने के लिए लगाया जाता है। वोटर अपने उम्मीदवार और पार्टी को ईवीएम में बटन दबाकर वोट देता है तो वीवीपैट मशीन एक पर्ची जनरेट करती है। ये पर्ची 7 सेकंड तक मतदाता को वीवीपैट मशीन में लगे शीशे के एक बॉक्स में दिखाई देती है। इसके बाद वहां से ऑटोमेटिक कटकर वीवीपैट मशीन के अंदर ही गिर जाती है। पर्ची में मतदाता द्वारा दिए गए वोट पर उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव संपन्न होने के बाद ऐसा आरोप लगाता है कि ईवीएम से वोट में कोई गड़बड़ी की गई है तो तमाम पर्चियों का उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम में पड़ी वोट से मिलान कराया जाता है। दोनों के वोट एक समान होने पर उस चुनाव को वैलिड घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल इसी वीवीपैट की सभी पर्चियों को वोट देने वाले मतदाता को दिए जाने की बात विपक्ष कर रहा है। विपक्ष चाहता है कि वीवीपैट की सभी पर्चियों को वोट देने वाले मतदाता को दे दिया जाए, फिर ईवीएम में दिए गए वोट से संतुष्ट होते हुए मतदाता उस पर्ची को वहीं एक बॉक्स में डाल दे, ताकि कोई उम्मीदवार किसी तरह की धांधली होने की शिकायत करता है या फिर कोर्ट जाता है तो उनका मिलान कराया जा सके। राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि वीवीपैट में अभी जो पर्ची जनरेट होती है वह तुरंत वहीं कटकर मशीन के अंदर ही ना गिरे, वह वोटर को मिले। फिलहाल इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि देश भर में 2017 के बाद से एक भी मामला ऐसा नहीं आया जिसमें ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपैट की पर्चियों के रिजल्ट अलग अलग आए हों। 2017 में गोवा में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 4 विधानसभा सीटों पर पड़ी वोट में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। इन चारों सीटों पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कराया गया था, चारों के रिजल्ट सही निकले थे। वहीं चुनाव आयोग का सवाल है कि आज के दौर में भी सारी ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाने लगा तो फिर ईवीएम का मतलब ही क्या रह जाएगा? चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा किया जाने लगा तो देश फिर से बैलेट पेपर युग में चला जाएगा। आज भारत में वोटों की गिनती होने के कुछ ही घंटे में रिजल्ट आपके सामने होता है, जो दुनिया में सबसे तेज रिजल्ट देने वाला है। फिलहाल 2017 से वीवीपैट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र के 5 पोलिंग स्टेशनों को रैंडमली चुनकर वीवीपैट की सभी पर्चियों का ईवीएम में पड़े वोटों के साथ मिलान कराया जाता है। अगर कैंडिडेट शिकायत करता है तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है कि वे पूरी विधानसभा या फिर जरूरत के मुताबिक लोकसभा सीट पर पड़े सभी वोटों का 100% वीवीपैट की पर्चियों के मिलान का आदेश दे सकता है। कहा जाता है कि शुरुआत में 480 पोलिंग स्टेशनों की वीवीपैट पर्चियों के मिलान की बात हुई थी, जिसके बाद आयोग को ये कम लगे, जिसके बाद आयोग ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र का कम से कम एक पोलिंग स्टेशन को वीवीपैट की पर्चियों से मिलाया जाएगा। इसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 4,300 से भी अधिक पहुंच गया। बाद में कुछ राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गईं। कोर्ट ने एक विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग स्टेशन की जगह हर विधानसभा के 5 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की बात कही।
वहीं अब पूरे देश में आम चुनाव के लिए बने 1,50,000 पोलिंग स्टेशनों में 21,000 से अधिक पोलिंग स्टेशनों पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कराया जाता है और आज तक एक भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट ईवीएम और वीवीपैट में अलग अलग नहीं निकला। लेकिन फिर भी ईवीएम पर सवाल कई सालों से उठ रहे हैं। फिलहाल इस समय सत्ता में मौजूद बीजेपी ईवीएम को सुरक्षित और पाक साफ बता रही है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो ईवीएम को लेकर एक किताब तक लिख डाली थी। साल 2010 में पब्लिश हुई इस किताब का शीर्षक था डेमोक्रेसी एट रिस्क कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, यानी लोकतंत्र खतरे में है, क्या हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि बाद में जीवीएल नरसिम्हा राव ने बताया था कि उनकी मुहिम के चलते ही वीवीपैट की ओर कदम बढ़े हैं। इस मामले में साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि लोकसभा चुनाव 2014 में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए। 2014 के कुछ चरणों में वीवीपैट का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन 2019 में चुनाव आयोग ने हर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया था और ऐसा इस बार यानी 2024 में भी होगा। खैर, आज तक एक भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट ईवीएम और वीवीपैट में अलग नहीं निकला है। फिलहाल आगे आने वाले समय में ऐसा होगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, जिसकी जानकारी शेष भारत भी आपको जरूर देगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।